चलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज खिलाड़ी रवि तेजा, जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। इनकी पिछली फिल्म क्रैक ने कमाल किया था और जो पिछले साल जनवरी में आई थी, और यहाँ पर ये जो फिल्म है ये फरवरी को आ रही है, 11 तारीख को 11 तारीख को। ये सिर्फ तेलुगु में आने वाली थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। पुष्पा, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, उसके सक्सेस को देखते हुए हिंदी वर्जन में, हिंदी मार्केट में अब यहाँ पर खिलाड़ी फिल्म को तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिलीज करने का पूरा प्लान है। जी हाँ दोस्तों, पेन जो एक हिंदी मार्केट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, पेन प्रोडक्शन, उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में मार्केट करने का फैसला लिया है। और ये वही पेन वाले है जो आर फिल्म को भी हिंदी मार्केट में वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी फिल्म हिंदी मार्केट में रिलीज होने वाली है 11th को, यानी कि उस दिन एक और हिंदी फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, बधाई दो, राजकुमार राव की फिल्म। तो यहां पर खिलाड़ी फिल्म का अब इंतजार है कि इसका ट्रेलर हिंदी वाला कब आता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हाइप बनेगा। और मेरा ऐसा मानना है अब साउथ फिल्मों का एक ऐसा टाइम आ गया है जिसके हिंदी मार्केट में ऑडियंस और ज्यादा बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, कंफर्म है। और हिंदी मार्केट में अब कोई भी साउथ फिल्म हिंदी वर्जन में अगर रिलीज होती है, मेरा मानना है अगर उसका कंटेंट स्ट्रांग है तो ऑडियंस जरूर जाके उसे देखेगी। दिस व्हाट आई फील, क्योंकि पुष्पा के बाद एकदम बोलते ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वैसा पब्लिक के लिए हो चुका है। सो आई एम डेफिनेटली होपिंग फॉर खिलाड़ी, और ये हिंदी में अगर आ रही है तो मैं भी इसको थिएटर में ही देखने का प्लान करूंगा। बिकॉज रवि तेजा की फिल्म थिएटर में ना देखे और देवी श्री प्रसाद की म्यूजिक एंजॉय ना करे थिएटर में तो क्या मजा आया, है कि नहीं? सो व्हाट आर योर थॉट्स, क्या पुष्पा की तरह ये फिल्म भी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ पाएगी हिंदी मार्केट में? खिलाड़ी जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा।